हेलो गाइस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपने टाइटल से देख लिया होगा। यस गाइस, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बाद हाइड्रोजन वर्स का न्यू अपडेट आउट हो चुका है, क्योंकि लास्ट बिल्ड आया था अप्रॉक्स 15 से 20 फरवरी को। गाइस, लास्ट बिल्ड आया था जो आपका आई मीन प्रीवियस बिल्ड कहने का मीनिंग है H2S का, हाइड्रोजन वर्स का 10.0.1 का बिल्ड था। जो ये लेटेस्ट वाला गाइस आपका बिल्ड हाइड्रोजन वर्स का है 10.0.4 का है, सेम वही पॉटेड फॉर्म OP6 1/6। सो उसी की इंस्टॉलेशन वीडियो कैसे इसको इंस्टॉल करना है हमारे पोको एफ एन में। सो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन। तो जिसने हमको सब्सक्राइब कर लो, जिसने अभी तक नहीं करा। और एज ऑलवेज अगर वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको पहले से यहाँ पे कह रहा हूँ भाई, ये वाली TWRP यूज़ करना जो उफ गैंग वाली है, क्योंकि और कोई आप यूज़ करोगे फिर भाई आपको सिस्टम पार्टीशन वाली प्रॉब्लम आएगी, आप पता ही होगा बहुत लोगों को यार। तो ये वाली TWRP यूज़ करना, इसी से ही फ्लैश करना भाई हाइड्रोजन वर्स H2S। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फटाफट क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइल्स बता देता हूँ। आपका सिस्टम हो गया, वेंडर हो गया, यस इस बार वेंडर भी है आपका H2S के लिए, OS नहीं है, चेनर्स नहीं है। और आपका मैस्क हो गया और आपका फॉर्मवेयर होगा लेटेस्ट वाला 11.0.9.0 का ही फॉर्मवेयर आपको लेना है गाइस। सो सबसे पहले यहाँ पे मन में फॉर्मवेयर फ्रेश कर लेना, और उससे पहले क्लीन फ्रेश इज़ रिकमेंडेड। अगर आप MIUI से आ रहे हो तो भाई क्लीन फ्रेश तो करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, सो नेसेसरी है। चाहे कोई और रोम से आ रहा, मैं स्टिल आप क्लीन फ्रेश रिकमेंड करता हूँ, कॉज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यार। बूट एनिमेशन भी स्टक नहीं होगी, बूट लूप, इन सारी चीज़ों से कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। डेट्स वाई गाइस क्लीन फ्रेश इज़ रिकमेंडेड। तो मैं सब कुछ पहले से कर रखा है, क्लीन फ्रेश सब कुछ, अपना वाइव सिस्टम एकदम सब कुछ कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने फाइल फ्लैश करनी है वो ऑब्वियसली हमारा फर्मवेयर हो गया गाइस, लेटेस्ट वाला 11.0.9.0। सो फ्लैश, इसको फ्लैश कर देते हैं। सबसे पहले फर्मवेयर यहाँ पे आपका डन हो चुका है। सो ये रहा सेकंड, आपका इधर वेंडर ले लेते हैं, कन्फर्म टू फ्लैश। सिस्टम भी कर सकते हैं, वेंडर भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इतना कोई नेसेसरी नहीं कि ज़रूरी आपको वेंडर ही सबसे पहले लेना, सिस्टम भी ले सकते थे आप। सो वेंडर में यहाँ पे डन हो चुका है आपका, बैक आने का ये रहा आपका सिस्टम H2S का 10.0.4 का बिल्ड है, वही पॉटर फॉर्म सेम जो प्रीवियस बिल्ड था आपका OP6 का, उसे से हुआ है। सो इंस्टॉलिंग दिस टाइम इमेज। अगर कोई और आप देखो ये बात, अगर कोई और TWRP यूज़ करते हैं आप, सिंपल वारी या कोई भी और होगी, सो उसमें आपको दिक्कत आती है फिर। सो यही रिकमेंडेड है इसी को यूज़ करना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपका सिस्टम इमेज फ्लैश हो रही है, वेट एंड वॉच, H2S 10.0.4। सबसे पहले जो ये TWRP है, सबसे पहले इसको CMD से फ्लैश करना, जो इसकी रिकवरी इमेज है उसको सबसे पहले CMD से फ्लैश करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप इसका जो सेव फाइल इंस्टॉल करो उसको डायरेक्ट फ्लैश करोगे आपको दिक्कत आएगी, अपडेटेड 2 शायद आपको एरर आएगा। तो मैं पहले से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले इस TWRP को आपको जो इसकी रिकवरी इमेज है उसको फ्लैश करना है वाया CMD कमांड। उससे फ्लैश करने के बाद फिर ही ज़िप इंस्टॉलर को फ्लैश करना जो TWRP का है, ठीक है। कोई और रिकवरी से उस ज़िप इंस्टॉलर को फ्लैश करोगे तो एरर आपको आएगा, ये रिटर्न है, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया। अब फटाफट यहाँ पर सबसे पहले हम रिबूट टू रिकवरी कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैच क्लास 12 बचेगी जो हमारी न्यू इंस्टॉल। सो यहाँ पे हमारा अब बस ANX कैमरा, वो तो मैच के थ्रू फ्लैश हो जाएगा, वो इतना भी नहीं है। सिस्टम हो गया, वेंडर हो गया, फॉर्मवेयर हमारा हो गया, TWRP तो मैंने सब कुछ पहले से कर रखा है, बस लास्ट बचा मैच। लेटेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 20.4 का। सो इधर आप फ्लैश हो रहा है, और हाँ एक और गूगल प्ले स्टोर APK भी आपको लेना पड़ेगा, सो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसको आप इंस्टॉल करोगे जब भी आप प्ले स्टोर में साइन करोगे। ये आपका इधर डन हो चुका है, रिबूट टू सिस्टम। बहुत इजी स्टेप है यार, कोई मतलब इतना नहीं है, चलो अच्छी बात है। और ये लास्ट बिल्ड है H2S का या कोई भी OS का भी बात कह सकते हैं। सो ये आपका आ गया H2S। अगर हाँ, दूसरी बात भाई, अगर बहुत टाइम से मतलब बूट लोगों पे स्टक होती है तो एक बार फोर्स रिबूट कर लेना। वैसे एक दो मिनट बाद आपको तब भी फोर्स रिबूट करना पड़ेगा, ये मैंने क्या डेल्पन में मेंशन कर रखा है। सो फोर्स रिबूट एक बार कर लेना, एक या दो मिनट बाद फोर्स रिबूट कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके बाद तब भी स्टिल बूट लोगों पे स्टक होता है, फिर एक और बार फोर्स रिबूट, देन तो थर्ड टाइम वो बूट सक्सेसफुली हो जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एक दो बार आपको करना पड़ेगा फोर्स रिबूट। अब जिनको नहीं पता भाई, वॉल्यूम डाउन या सिर्फ पावर बटन भी दबा सकते हो 5 सेकंड्स के लिए, वो अपने आप फोर्स रिबूट हो जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स में बोलो तो। सो वेट एंड वॉच करते हैं।
वैसे दूसरी बात आपको थोड़ा पता ही होगा, ये ओ एस आई वाला मतलब अलग वाला बिल्ड है थोड़ा। सो फटाफट यहाँ पे हम सबसे हमें लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी अब, तो स्टार्ट कर देते हैं। वो इतना कोई भाई मैटर नहीं करता, मेन चीज़ वो आप पे डिपेंड है, आप आपको यूज़ करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड होता है। सो यहाँ पे सब कुछ वो तो अभी इनिशियल सेटअप है, इसको स्किप करते हैं। सो बस रोम 16 यहाँ पे हमारी बूट हो चुकी है, बहुत स्मूथ है यार। फेनेटिक मोड, ई स्पोर्ट मोड, ये सब कुछ वर्किंग, मुझे पता है भाई मेरे पास 1.70 है, तो मुझे पता है भाई ओएस कितने स्मूथ है यार ऑब्वियसली। और फटाफट यहाँ पे एक बार अवर सेक्शन में इसके चले जाते हैं। सो ये आपको भी आपको बेस्ट ऑन एंड्रॉयड क्यू एंड्रॉयड वर्जन 10 और एंड्रॉयड सिक्योरिटी आपका S2OS आपका एंड्रॉयड वर्जन आई मीन जो हाइड्रोजन ओएस वर्जन है 10.0.4 है। सॉरी यहाँ पे जो था आपको कुछ नहीं, वही प्रोसेस स्नैपड्रैगन सारा पोको फोन का यहाँ पे मेंशन हो रखा है। ये गाइस डेट्स ऑल, ये आपकी इंस्टॉलेशन वीडियो थी। बट इससे पहले देखो मेरे हिसाब जो मेरे था मतलब मैंने एक बार ही इसको फोर्स रिबूट करा था, सेकंड टाइम की नीड ही नहीं हुई यार। तो ठीक है, अगर जिसका नहीं होता है फर्स्ट टाइम भाई, तो दोबारा भी एक बार फोर्स रिबूट कर लेना, एक या दो मिनट बाद सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। वैसे फर्स्ट टाइम मतलब एक बार अगर आप फोर्स रिबूट करोगे उसके बाद 2 से 3 मिनट में बूट आपका हो जाएगा फ़ोन, इतनी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अब अगर जैसे आपको प्ले स्टोर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको प्ले स्टोर APK इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, सो उसको भी यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेना, फिर आप अपना गूगल इन सब में साइन अप कर सकते हो। ये गाइस डेट्स ऑल इंस्टॉलेशन वीडियो थी। अगर वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, वीडियो को शेयर करना भूलना। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक टू बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक टू बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। सारी फाइल्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत अच्छा काम करा है भाई, बहुत स्मूथ है यार। एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखोगे, जरूर करना, एक मस्ट ट्राई है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।